हम कुछ इस तरीके से फिटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा एक कमरा है और वो दूसरा कमरा है। यहाँ पर कंट्री लाइट नहीं दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मना कर दिया गया है। और बाकी हम जो बताना चाहते हैं कि जैसे ये फैन बॉक्स है कमरे का, यहाँ से हम सीधा इसका मेन पाइप लेके जा रहे हैं सीधा एमसीबी बॉक्स तक। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे पाइप आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हर कमरे का अलग अलग सर्किट बोर्ड दिया जाता है और यहाँ पर कई सारे आपको तीन तीन और तीन छः पाइप आपको दिख रहे हैं। तो दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा आपको देखिए किस तरीके से पीछे की साइड से वो घूमता हुआ, मैं उस पाइप की बातें कर रहा हूँ, वो दूसरे कमरे का हमारा हो गया। और इसी से अटैच करके हमारे पीछे लेटरिन बाथरूम है वो अटैच कर दिए हैं और इस तरीके से वो आपस में जॉइंट कर दिए हैं। और दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ से भी मिला दिया है क्योंकि इस कमरे का इससे जल सकता है और उस कमरे का इससे। तीसरी बात आती है ये लॉबी का फैन बॉक्स है। यहाँ पर लॉबी में तीन फैन बॉक्स दिए, काफ़ी बड़ी लॉबी है, यहाँ पर तीन फैन बॉक्स दिए गए हैं। तो बीच वाले हमने फैन बॉक्स कंड्यूट से एक लाइन यहाँ से निकाली है, ये लाइन जा रही है सीधी फैन बॉक्स से एमसी बॉक्स तक। और यहाँ पे हमने दो पाइप इसलिए खड़े करे हैं ताकि जो सेकेंड थर्ड फ्लोर बनेगी उसके लिए यहीं से एमसी बॉक्स कनेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये है फिर ड्राइंग रूम, जिसे बोलते हैं बैठक बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ये फिर उसका ऐसे पाइप निकाला है हमने, ये सीधा वहीं पे जाके जॉइंट हुआ है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पाइप कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात आती है अब डिश का पाइप कैसे कनेक्ट करते हैं। डिश जो सारी डिश लगती हैं, जो छतरी वगैरह कोई भी, तो उसके हम एक ही जगह निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तीन पाइप निकले हुए हैं, तीन पाइप में से एक तो हमारा सीधा ड्राइंग रूम में चला गया, वो यहीं पर ख़त्म हो गया। बाकी दो पाइप हमारे यहाँ से निकले हैं, यहाँ से सीधे बिल्कुल धीरे 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 हम जाते हैं ये सीधे लास्ट वाले कमरे से बिल्कुल सेपरेट, यानी कि इसमें कोई अलग एक्स्ट्रा वायर नहीं जाएगा, केवल डिश का वायर ही जाएगा और सीधा यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से हम नीचे झिरी वगैरह काट करके दोनों कमरे को अटैच कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये कमरा है, ये कमरा है, नीचे एक बोर्ड लग जाएगा जिसे दोनों को आपस में अटैच कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 इंची का वॉल है, आपस में बैक करके सब काम हो जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो दूसरा डिश का वायर है आप देख सकते हैं, दूसरा बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह हल्का हल्का बैंड होता है ताकि ये टूटे नहीं, और ये बैंड होते हुए सीधा हमारे लॉबी के यहाँ पे आ गया। जैसे लॉबी में बैठ करके हम टीवी देखना चाहेंगे तो उसके लिए भी ये लॉबी के ऑप्शन दिया गया है। बाकी ये जो सारी है डिस्क की लाइन सीधी पहुँचेंगी यहाँ से, हमें बैक हो करके ये जो पाइप यहाँ पर खड़ा हुआ ऊपर को दिख रहा है, इस पाइप से ऊपर निकाल दे जाएंगे। जो सारी जो डिस्क की लाइनें हैं वो नीचे की फ्लोर और ऊपर की फ्लोर की दोनों की एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से फिटिंग की जाती है, काफ़ी अच्छी तरीके से फिटिंग की जाती है। दूसरे नंबर ये बात है कि सबसे पहले हम इस काम को करते हैं, इसमें थोड़ा सा पेपर भर के और इसको पूरी तरह से टेप से ढक देते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार का मटेरियल ना भरे। तो आप देख सकते हो जैसे हमने फैन बॉक्स पे यहाँ पे लगाया हुआ है, ये फैन बॉक्स है हमारा, कुछ लोग बदरपुर डालते हैं वो ठीक नहीं होता। ये फैन बॉक्स पूरी तरह से टेप से बंद है, इसमें ज़रा सा भी मटेरियल नहीं भर सकता। और बाकी जो इसके होल हैं वो सारे हमने बंद कर दिए हैं, बिल्कुल भी इसमें मटेरियल नहीं भर सकता और काफ़ी हमारी मेहनत भी इससे बच जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।